हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग क्लास फोर इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर मैप एंड मेजरमेंट को पढ़ेंगे मैप में इस होता है मानचित्र और मेजरमेंट यानी कि होता है मापन यानी कि मानचित्र का मापन तिल्लू एंड मुन्नी हैव ड्रॉन अ मैप ऑफ क्लासरूम ऑफ देयर स्कूल तिल्लू और मुन्नी नाम के दो बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्कूल के अपने कक्षा का एक मानचित्र बनाया बिफोर ड्राइंग द मैप बिफोर मतलब पहले ड्राइंग द मैप यानी कि ड्राइंग बनाने से पहले मानचित्र बनाने से पहले दे कलेक्टेड मैच स्टिक्स कलेक्टेड मतलब एकत्रित किए मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की, की तिलनियाँ मानचित्र बनाने से पहले वे क्या कलेक्ट किए माचिस की तिलनियाँ देन दे मेजर्ड एवरी वॉल ऑफ देयर क्लास बाई स्टेप्स उसके पश्चात उन्होंने अपने कक्षा की प्रत्येक दीवार को अपने स्टेप्स यानी कि अपने कदमों से नापा दे अरेंज्ड द मैच स्टिक्स अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ द वॉल उन्होंने माचिस की तिलियों को जो दीवार है उसके मापन के आधार पर अरेंज किया मेजरमेंट यानी कि मापन दे टुक वन मैच स्टिक्स फॉर वन स्टेप उन्होंने माचिस की एक तिल्ली को एक कदम माना इन द सेम मैनर तिल्ली एंड नूरी हैव मीजर्ड द थ्री साइड्स ऑफ द बॉल विथ देयर स्टेप्स इसी प्रकार से तिल्ली और नूरी जो हैं उन्होंने भी दीवार को दीवार के तीन साइड्स को अपने स्टेप से नापा एंड कैप्ट मैच मैच स्टिक अकॉर्डिंगली और उसी प्रकार से मैच स्टिक को भी लिया बॉथ ऑफ दैम वैप्पी एंड दे सॉट द मैप ऑफ देयर क्लास रूम टू द टीचर मेड विथ मैच स्टिक्स दोनों ही टीम ने इनकी तिल्लू और मुन्नी ने और तिल्ली और नूरी ने दोनों ही टीमों ने क्या किया खुश थे और उन्होंने जो मैप बनाया था मैच स्टिक की सहायता से उसको अपने टीचर को दिखाया नाउ यू प्रिपेयर अ क्लास रूम मैप वाइड मेजरिंग फिफ्टीन स्टेप्स लॉन्ग एंड ट्वेल्व स्टेप्स इन विच वन मैच स्टिक्स इज इक्वल टू थ्री स्टेप्स इसी प्रकार से आपको भी एक मैप बनाना है जिसमें कि जो लेंथ होगा यानी कि जो लंबाई होगा वो कितना होगा फिफ्टीन स्टेप्स और जो वीड यानी कि जो उसका चौड़ाई होगा वाइड वो कितना होगा ट्वेल्व स्टेप्स होगा और इस मैप में आपको एक मैच स्टिक्स को थ्री स्टेप्स के इक्वल मानना है यानी कि एक मैच स्टिक्स इज इक्वल टू थ्री स्टेप्स मानना है देअर क्लास रूम वॉज फिफ्टीन स्टेप्स लॉन्ग एंड ट्वेल्व स्टेप्स वाइड उनका जो क्लास रूम था वो फिफ्टीन स्टेप्स लॉन्ग था और ट्वेल्व स्टेप्स वाइड था एन कि चौड़ा था लुक एट दिक्चर गिवन बिलो एंड से वेदर दे हैव कैप्ट मोर मैच स्टिक्स यहाँ पे जो हमको यहाँ पर जो ड्राॅइंग दिया हुआ है उसको हमको ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या इसमें मैच स्टिक्स ज़्यादा हैं तो चलिए काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन इसमें जो एड हो कितना है इनकी जो चौड़ाई है वो थर्टीन है जबकि हमने यहाँ ट्वेल्व स्टेप्स देखा था तो हाँ इसमें जो मैच स्टिक्स है वो ज़्यादा है आफ्टर दिस दे मेजर द कॉर्ट यार्ड एंड एडेड इन टू देयर मैप इसके पश्चात उन्होंने कॉर्टयार्ड यानी कि जो आंगन है उसका मैप इसी प्रकार से तैयार किया वाट इज द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कॉर्टयार्ड तो आप भी इसी प्रकार से मैच स्टिक की सहायता से अपने आंगन का नाप लेंगे और उसका मैप बनाएंगे और उसमें आपको एक मैच स्टिक्स को थ्री स्टेप्स मानना है आपका जो तीन कदम होगा उसको एक माचिस की थीली से मैप में दर्शाना है तो यहाँ पे उसको आप लोग बनाएंगे और कितने उसमें उसका लेंथ कितना है और ब्रिथ कितना है उसको काउंट करके यहाँ पे लिखना है ठीक है इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ओरल का हाउ मैनी मैच स्टिक्स डिड तिल्लू एंड मुन्नी यूज़ फॉर वन स्टेप मेजरमेंट तिल्लु और मुन्नी ने वन स्टेप मेजरमेंट के लिए कितने मैच स्टिक का यूज किया था तो वन स्टेप के लिए वन मैच स्टिक का यूज किया था तो इसको आंसर में लिखेंगे तिल्लू एंड मुन्नी यूज वन मैच स्टिक्स फॉर वन स्टेप मेजरमेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हाउ कैन वी ड्रॉ अ हाउस और स्कूल मैप ऑन पेपर मतलब हम पेपर में स्कूल को और हाउस को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं वी कैन ड्रॉ हाउस हम लोग हाउस को जनरली इसी प्रकार से ड्रॉ करते हैं वी कैन ड्रॉ स्कूल और स्कूल को इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं या फिर इसके अलावा आप लोग चाहें तो कुछ अन्य प्रकार से जैसे इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं स्कूल को इस प्रकार से घर को भी दिखाते हैं या स्कूल हुआ तो इसमें कुछ इस प्रकार से एक्स्ट्रा कुछ कुछ बना सकते हैं और यहाँ पे ऐसे स्कूल लिख देंगे ठीक है उसके बाद रिटर्न क्वेश्चन इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज योर वन स्टेप मीजर इट एंड राइट आपका जो एक कदम है वो कितना लंबा है उसको नाप करके आपको यहाँ पे लिखना है तो उसको आप लोग खुद से मेजर कीजिएगा और फिर यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अ स्टेप एंड अ मैच स्टिक इसका आंसर होगा डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए स्टेप एंड मैच स्टिक आर वन मैच स्टिक इज इक्वल टू थ्री स्टेप्स अब क्वेश्चन नंबर थर्ड वाट इज द यूज ऑफ मेकिंग मैप्स मैप्स का यूज किस लिए किया जाता है मतलब क्यों बनाते हैं उसको तो इसका आंसर होगा मैप्स टीच अबाउट द वर्ल्ड बाय सोविंग साइज एंड शेप्स ऑफ कंट्रीज मैप हमको क्या चीज़ बताता है कि किसी जो कंट्री है उसका सेप कैसा है साइज कैसा है ये सारी चीज़ें बताता है मैप कैन शो एक्जैक्ट लोकेशन ऑफ हाउसेस एंड स्ट्रीट्स इन अ सिटी नाइबरहुड और हमारे आस प्रका आस पास के जो भी सिटी हैं जो विलेज है उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी हमको बताता है ठीक है यह था हमारा चैप्टर मैप एंड मीचरमेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू